सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी नमस्कार, मैं काजल श्रीमाली और आज हम बात करने वाले हैं रेट लेवल टू पे। सरकार ने एक पक्ष को देखते हुए जो परीक्षा को रद्द करने का फैसला ले लिया, दूसरे पक्ष को तो देखा ही नहीं, जिन्होंने 3 साल से ईमानदारी से मेहनत करी उनका क्या, उनके साथ कौन सा जस्टिस हुआ है। मेरे कुछ सवाल है, हमारा क्या है? ठीक है, जो भी मेरे साथी है, मेरे भाई बहन है या वो सब जिनके साथ ये सब हुआ है, वो सब तो ठीक है, फिर से किसी ना किसी एग्जाम के प्रिपरेशन में लग जाएंगे। लेकिन मेरे कुछ सवाल है जिनके जवाब मैं जानना चाहती हूं। मेरा सबसे पहला सवाल किरोड़ीलाल मीणा जी से है कि जब 2 नवंबर को रिजल्ट आया था, उन्होंने उसी दिन ये माहौल क्यों नहीं बनाया? उन्होंने एक पक्ष का तो साथ दिया है जो ये कहता है कि रेट को रद्द किया जाए सिर्फ इसलिए, और वो भी एसओजी की रिपोर्ट आने से पहले उसको रद्द करवा दिया गया है। लेकिन दूसरे पक्ष का साथ कौन देगा जिसने ईमानदारी से अपना सब कुछ दांव पे लगा करके मेहनत करी है? कई महिलाओं ने अपने बच्चों को रोता हुआ छोड़ के भी मेहनत करी है। मेरा दूसरा सवाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत जी से है कि वो तो जननायक है, फिर उस जनता का क्या जो चाहे एक छोटा पक्ष है लेकिन जो ईमानदार है, जो सत्य पर चला है? मैं अवगत कराना चाहूंगी कि सत्य अकेला होता है, उसका जवाब कौन देगा? आगे का सवाल मेरा उपेन यादव जी से है, वो तो गरीबों के मसीहा है, बेरोजगारों के लिए काम करते हैं, फिर उन अभ्यर्थियों के साथ जिन्होंने अपने 3 साल देकर के लगातार मेहनत करी है, जिनके साथ अनुच्छेद 32 का उल्लंघन किया गया है, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है, उनके लिए कौन बोलेगा? उसके बाद मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों से पूछना चाहूंगी, हर बात पर आप लाइव आकर वीडियो